नमस्कार, वेलकम टू सामाजिक ज्ञान चैनल। आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा कार्यपालिका का है, क्लास इलेवेंथ का, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अगर आप एक दूसरे से कोरिलेट करके नहीं समझेंगे और पढ़ेंगे तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो मैं शुरू कर रही हूँ। राजनीतिक विज्ञान कक्षा 11, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। भारत की जितनी भी संसदीय प्रणाली है वो तीन अंगों के तहत चलती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका यानी विधान बनाने वाली संस्था, विधान यानी कानून बनाने वाली संस्था। सबको पता है हमारे देश में कि कानून कौन बनाता है, संसद बनाती है। संसद के दोनों दल, राज्यसभा, लोकसभा, कोई भी विधेयक लोकसभा में पेश होता है, उसके बाद राज्यसभा से पास होगा, उसके बाद में राष्ट्रपति के सिग्नेचर, साइन और मोहर के बाद, स्टैम्प लगने के बाद में कोई भी विधेयक कानून में बदलता है। अब कानून बन गया, कानून बनाने के बाद कार्यपालिका का काम है उस कानून को लागू करना। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि कार्यपालिका दो प्रकार की कार्यपालिका है। एक कार्यपालिका वो है जिसे हम चुनते हैं 5 साल के लिए, यानी मंत्री, मंत्रिमंडल के लोग, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो सारे डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू हम लोग चुनते हैं। ये अस्थाई कार्यपालिका है, यानी टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव। और सरकारी नौकरियां, सरकारी कर्मचारी, प्रशासक और पुलिस प्रशासन की जो मशीनरी होती है, जो शासन व्यवस्था बनाए रखती है, वो कहलाती है परमानेंट एग्जीक्यूटिव या स्थाई कार्यपालिका। इसके अंदर आपके सारे आईएएस, आईपीएस सरकारी कर्मचारी आते हैं, पुलिस आती है और बीएसएफ, सीआरपीएफ, मतलब सभी तरह के जो सरकार के अंदर जो तंत्र आते हैं, जो एक शासन बनाने में हेल्प करते हैं, वो सारी स्थाई कार्यपालिका है। और अस्थाई कार्यपालिका है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जिनका चुनाव कुछ समय के लिए होता है, यानी 5 साल के बाद हम उनको चेंज करते हैं, दूसरे चुने जाते हैं। अब तीसरा सिस्टम है, तीसरा भाग है इसका, संस्थान है न्यायपालिका। विधायिका ने विधान बनाया, कानून बनाया, कार्यपालिका ने उसको लागू किया। अब लागू करते समय जो उस कानून के अच्छे या बुरे प्रभाव थे वो लोगों के ऊपर दिखाई देते हैं। तो अब क्या होता है कि कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ जाती हो रही है, वो न्यायपालिका में जाते हैं और न्यायपालिका इस बात के बारे में विचार विमर्श करती है, उस कानून की समीक्षा करती है कि क्या जो कानून बना है वो सही है, और अगर सही नहीं है, उसमें कहीं कमी है, तो क्या सुधार होने चाहिए। तो ये विधायिका के पास ये अधिकार होता है, विधायिका के पास ये अधिकार होता है कि वह जो कानून उसने बनाया है उसमें किसी तरह का अमेंडमेंट कर सकती है, उसको हटाने के लिए भी प्रावधान कर सकती है, उसमें चेंज, बदलाव कर सकती है, थोड़ा सा संशोधन कर सकती है, और संशोधन करने के बाद दोबारा लागू करेगी, और अगर तब भी वो काम सही से नहीं हो रहा है तो वो उसको पूरी तरह से रद्द भी कर सकती है। न्यायपालिका, न्यायपालिका में आपको यहाँ मैं बता दूं कि दो प्रकार के विवाद होते हैं जो न्यायपालिका में आते हैं, एक दीवानी और दूसरा फौजदारी। दीवानी मुकदमे या दीवानी केसेस वो होते हैं जिनमें प्रॉपर्टी से संबंधी, यानी प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स होते हैं, जिनमें संपत्ति विवाद होते हैं, ज़मीनी विवाद है, कोई कब्ज़े का, ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया या अवैध रूप से कब्ज़ा कर लिया या कुछ इस तरह से रिलेटेड, तो वो सारे दीवानी मुकदमों में आते हैं। फौजदारी मुकदमों में आते हैं लड़ाई झगड़े के मैटर हो गए, जिसमें किसी की जान चली जाए, एक तरह से क्रिमिनल केस है। फौजदारी मुकदमे क्रिमिनल केसेस ही कहलाते हैं, इसके बारे में आगे हम और डिटेल से पढ़ेंगे। एक दीवानी मुकदमे हो गए और एक दूसरा फौजदारी मुकदमे हो गए। अगर आप फंडामेंटल के हरासमेंट से रिलेटेड कोई वो करते हैं तो रिट दायर करते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था कि संवैधानिक उपचारों के जो छठा जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसके अंदर हम अपील डालते हैं, वो हमारी रिट्स कहलाती हैं।
आई होप कि आपके मैक्सिमम डाउट्स जो हैं, अब जब हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो वो किसी तरह के डाउट्स नहीं रहेंगे माइंड में। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं, विधायिका विधान बनाएगी, एग्जीक्यूटिव लागू करेगी, और अगर कहीं उसमें किसी तरह की समीक्षा की ज़रूरत है तो वो हमारी जुडिशरी करेगी। तो बस ये इतना ही वीडियो था, आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को पसंद करने के लिए थैंक यू। बहुत सारे लोग इससे कनेक्ट हो रहे हैं और आई होप कि आपको इससे फ़ायदा हो रहा होगा, आपको आपके चैप्टर समझने में आसानी हो रही होगी। आगे हम इसमें किस तरह से आप आंसर लिखें ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर सकें और ये चीज़ें आप लंबे समय तक याद रख पाएँ, ऐसी शुभेच्छा मैं रखती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।